मनुष्य का मानसिक व शारीरिक विकास, सुमित गौड़ ने कहा। प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ ने हॉकी टूर्नामेंट विजेता टीम व खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खबर फरीदाबाद से है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के 118वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान प्रिंस हॉकी क्लब सीही सेक्टर 7 द्वारा एक हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ मौजूद रहे। गौड़ ने खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि खेलों से न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक विकास होता है और भाईचारे की भावना को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि खेलों को हार जीत की भावना से नहीं बल्कि खेल भावना से खेलना चाहिए, क्योंकि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हारने के बाद ही जीत का लक्ष्य रखा जाता है, इसलिए हारने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए, जीतने के लिए प्रयास करने चाहिए। टूर्नामेंट में भिवानी, गुरुग्राम, गुम्मन हेड़ा, दिल्ली फाइटर 11 दिल्ली और साथ ही सुभाष नगर दिल्ली, प्रिंस हॉकी क्लब सीही दिल्ली 11 आदि टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट की विजेता प्रिंस हॉकी क्लब सीही फरीदाबाद की टीम रही, जबकि उपविजेता भिवानी की टीम रही। वहीं मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब प्रिंस क्लब के टन्नू को मिला। सुमित गौड़ ने विजेता टीम व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर ओम प्रकाश बुरा, हरिमान, वीएस डागर, एडवोकेट रविदत्त, पवन गुप्ता, सत्यपाल पाहिल, साहिब सिंह, धर्मवीर तेवतिया, धर्मेंद्र तंवर, राजेंद्र शर्मा, अमरचंद तेवतिया, जोगेंद्र तेवतिया, अमित मलिक, जितेंद्र तेवतिया, अनिल मोदी, देवेंद्र पवारिया, कुलदीप शर्मा, रविंद्र तेवलिया तेवतिया, रुपेश मलिक, युवा समाजसेवी देववत्स सहित अनेकों गणमान्य लोग मौजूद रहे। फरीदाबाद संवाददाता दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट।